वैसे मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स ने घर बनाया हुआ है कुछ कुछ ने तो बिल्डिंग्स भी बनाई है बट आई डोंट वांट की डलनेस और डिहाइड्रेशन आके मेरी स्किन पे एक नया घर बना श्योर sure कि आप लोग भी नहीं चाहते होंगे कि ये डलनेस और डिहाइड्रेशन आप लोग की लाइफ में अपना घर बनाए तो अपनी बेल्ट कस के बांधो क्यूकी अब हम जा रहे हैं सोल्यूशन की दुनिया में तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज फेस वॉश यू कैन यूज एनी फेस वॉश बट आपको दो चीजें एकदम श्योर करनी पड़ेगी फर्स्ट उसका पी एच लेवल एसिडिक नहीं होना चाहिए इट शुड बी अल्कलाइन सेकेंडली इट शुड माच योर स्किन टाइप बाय द वे आई यूज बेसन बिकॉज बेसन इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है एक्सेसिव ऑयल को रिमूव करता है बेसन एक्ने प्लस एक्ने स्कार को भी रिमूव करता है और बेसन का नेचर आल्लाइन होता है सो दैट्स वाई बेसन इज द बेस्ट फेस वॉश नाउ आई हैव अ टिप और गोल्डन पॉइंट फॉर ऑल द टीन एजर्स आउट देर अपने फेस को जब भी वॉश करते हो जिस भी फेस वॉश से वॉश करते हो जिस भी टाइम वॉश करते हो अपने फेस को दो बार वॉश किया करो मतलब जैसे आप बेसन यूज कर रहे हो तो एक बार बेसन से वॉश करा उसके बाद दोबारा बेसन से वॉश करा इससे आपके फेस पे कभी पिंपल हो ही नहीं सकता एंड दिस इज माई गारंटी नाउ सेकेंड स्टेप में हम करेंगे अपनी स्किन को एक्सफोलिएट प्लस ग्लो अप तो एक्सफोलिएट हम कैसे करेंगे टमाटो प्लस हनी की हेल्प से दोनों ही बहुत अच्छे एक्सफोलिएटिंग एजेंट होते हैं तो आपको क्या करना है टोमेटो लेना है टोमेटो को दो स्लाइसेस में कट करना है उसके ऊपर हनी डालना है एंड उसको अपने पूरे फेस पर रब करना है इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी देन आपको टमेटो लेना है हाथ में जिस टमेटो से आप रब करोगे उसी को लेना है एंड उसका जो जूस होता है ना उसको स्क्वीज आउट करके अपने हैंड पे लेना है वार्म अप करना है और दिन पूरे फेस पे मसाज करनी है इससे आपका जो फेस है लाइक ग्लो अप हो जाएगा तो हमारे फेस पे डेड स्किन सेल्स होते हैं जिनकी वजह से आतने पिम्पल ब्लैक हैड व्हाइट हैड ये सब कुछ ना डेड स्किन सेल्स की वजह से होता है और जब आप अपने फेस को एक्सफोलिएट करते हो तो बेसिकली आप उन सारे डेड स्किन सेल्स को हटा रहे हो अपने फेस से तो दैट मीन्स कि आपके स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली नाउ फोर्थ स्टेप में हम लगाएंगे फेस पैक एंड इसको बनाने के लिए आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी बेसन एंड सस्मे ऑयल सस्मे ऑयल यानी का तेल और यहाँ पर एक चीज याद रखना पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना तो जब आप इन तीनों को सही से मिक्स कर लोगे उसके बाद ऐसी एक बॉल बनानी है एंड इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से सर्कुलर uh, मोशन में रब करना है एंड इस बॉल को फेंकना नहीं है जिस बाउल में आपने बनाया है उसी बॉल में वापस डालो एंड देन पानी ऐड करके एक पेस्ट बनाओ और उसके बाद उस पेस्ट को अपने फेस पे अप्लाई करो आई नो यू विल लाइक इससे क्या होगा तो सेसमे ऑयल में ई e होता है जो कि आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है एंड वाइटामिन बी होता है जो एक्ने स्कार्स एंड एक्ने को रिमूव करता है एंड हेयर कम्स द लास्ट एंड माय मोस्ट फेवरेट स्टेप एंड आई एम श्योर कि स्टेप ना आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है सो so, इसमें वॉट यू नीड इज एलोवेरा जेल एंड वाइटामिन ई के कैप्सूल आई नो आपने जब इंट्रो में देखा होगा ना मेरी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी आपको ऐसा लगा हुआ की ग्लो मेरी आधी स्किन कितनी ज्यादा चमक रही है ऐसा लगा है कि हाई लाइटर लगा दिया होगा एंड आधी स्किन एकदम डल सी हो गई है एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आई मेड इन बाई